Assalamualaikum, good evening, जनाब, मुझे कहते हैं फातिमा और आप सुन रहे हैं दोस्ती फ्रॉम 98। 23 अप्रैल साल 2020 और जनाब जुमेरात का दिन है आज। रमजान शुरू होने में बाकी रह गया है सिर्फ एक दिन। फैसला हो चुका है जनाब के हफ्ते के दिन होगा साल 2020 का पहला रोजा। इंशाल्लाह अल्लाह ने सेहत दी ताकत दी तो हम सब जो है वो हफ्ते के दिन अपना इस साल का पहला रोजा रखेंगे। सुन रहे हैं आप और सुनो और इस वक्त FM 98 दूसरी चैनल की नशरात आप तक पहुंच रही है। जनाब साथ देंगे आप हमारा 4471 पर और कहीं भी बैठे हो आप इस वक्त तो सुन सकते हैं आप हमें क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग भी मौजूद है आपके लिए www.dosireadio.com। उम्मीद करते हैं कि ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और डेफिनेटली कोरोना वायरस से जो भी एहतियात है वो आप जरूर कर रहे होंगे। उससे बचने के लिए जो कुछ करना जरूरी है, लॉकडाउन में रहना जरूरी है या मास्क पहनना जरूरी है या ग्लव्स पहनना जरूरी है या हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना जरूरी है तो आप वो सब चीजें जो है वो जरूर फॉलो कर रहे होंगे। आज के प्रोग्राम में जनाब हमेशा की तरह हम लेकर आए हैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सी प्लेलिस्ट जिसके साथ आपके साथ चलेगी हमारी चिटचैट और डेफिनेटली अपने दोस्त चाइना के हवाले से भी कुछ ना कुछ नया आपसे शेयर करते हैं हर प्रोग्राम में। तो आज भी आपको बताएंगे कुछ और, कुछ नया, कुछ मुख्तलिफ, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी जो आपके काम आ सके, जो आपके लिए यूजफुल हो। जिंदगी में अगर कभी भी आपका चाइना का सफर करने का इरादा बने तो फिर आप उस हमारी दी गई इन्फॉर्मेशन से फायदा हासिल कर सकें और जनाब आप उसको यूज कर सकें, इम्प्लीमेंट कर सकें तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा और हम भी अच्छा लगेगा। राबते के लिए जनाब 4471 पर करने होंगे मैसेज और मैसेज करने का तरीका है बहुत सिंपल, बहुत आसान। 4471 पर आपने लिखना है 98 98 लिखकर आपने टाइप करना है अपना और अपने शहर का नाम और उसके बाद आपने भेजना है अपना मैसेज हम तक 4471 पर। गर्मी की शिद्दत जो है वो थोड़ी थोड़ी सी बढ़ती जा रही है और जो दिन के वक्त खास तौर पे जो है वो खासा महसूस होता है कि मौसम की तब्दीली जो है वो अच्छी खासी आ चुकी है। लेकिन जनाब मास्क पहनना क्योंकि जरूरी है, ऑल्दो इसमें गर्मी बहुत लगती है और बहुत ज्यादा सफोकेटेड फील होता है, लेकिन फिर भी जब कोई चीज जरूरी होती है तो फिर वो करनी पड़ती है। बढ़ेंगे आज के प्रोग्राम के पहले ट्रैक की जानिब, लौट कर आएंगे, करेंगे आपसे ढेर सारी बातें, कहीं मत जाइए, सुनते रहिए दोस्ती FM 98। चाल तेरी मैं देखूं, आ देखूं तेरे लश्कारे नी, सुकदे आ तेरा घूंटा, आ पास मेरे मुटे आ रे नी, घूंटे में एक चांद छुपा है, दूरी तो बस प्यार मेरा है, मैंने तुझे पहचान लिया है, दिल पर अपना जान लिया है, जान लिया है, जान लिया है, जान लिया है। सोया कर दो प्यार से मैं ऐसा कर...
है कि जिसका न तोड़ है तेरा मेरा ये ऐसा जोड़ है लाहौर, कराची, इस्लाम आबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवा में इस वक्त जहां जहां भी पहुंच रही है हमारी आवाज, जनाब कहेंगे आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद। सुन रहे हैं आप दोस्त एफएम 98 प्रोग्राम आपके लिए पेश कर रहे हैं और सुनो में मेरा और आपका साथ रहता है हर जुमेरात और जुमे की शब 9 से 10। मगर जनाब अब क्योंकि वक्त आ चुका है तब्दीली का और क्योंकि जैसे कि रमजान आ रहा है अभी मैंने आपसे जिक्र किया और डेफिनेटली आप टीवी पर भी मुख्तलिफ चैनल्स पे न्यूज सुन चुके होंगे कि हफ्ते को पहला रोजा है, तो जनाब इसी के साथ साथ हमारे जो स्केड्यूल्स हैं उनमें भी तब्दीली आ गई है और अब इंशाल्लाह आपसे मेरी मुलाकात हुआ करेगी हर बुध की शाम 4 से 5। शाम कहा जाए या सुपहर कहा जाए तो दैट वुड बी लिटिल मोर बेटर आई गेस। और जनाब ये तो हुई तब्दीली, लेकिन आप हमारा साथ देते रहेंगे 4-4-7-1 पर हमेशा की तरह। और हमारी मुलाकातों का और गपशप का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा जनाब, और हम इसी तरह आपके साथ जो है वो गप्पे लगाते रहेंगे, इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे, मुख्तलिफ और ट्रैक सुनाते रहेंगे आपको नए नए, और आप हमसे मिलेंगे 4-4-7-1 पर। लेकिन जनाब इसी के साथ साथ आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक पर, फेसबुक पर मौजूद है हमारा चैनल का पेज एफएम 98 दोस्ती चैनल, जैसा कि आप जानते हैं आप सबने उसे ऑलमोस्ट लाइक किया होगा, अगर नहीं किया तो जल्दी से जाइए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और इसी के साथ साथ पेज पर मौजूद है प्रोग्राम का स्टेटस, तो उस पर जाके आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और कोई पैगाम दे सकते हैं, मैसेज शेयर कर सकते हैं, व्हाट एवर यू लाइक उसको। और वैसे अगर इसमें से आप कुछ भी ना करना चाहें और मेरी तरह आप बहुत ही स्वस्थ हैं अगर, तो फिर आप ये कर सकते हैं कि आप सिर्फ उसको लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ अपने पेज पर। अस्सलामुअलैकुम जनाब, प्रोग्राम में शामिल हुए हैं हमारे साथ इस वक्त आशिक, और आशिक कह रहे हैं कि कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और इस वबा से बचे हुए होंगे और इसकी जो भी बचने की तदबीर है उन सबको फॉलो कर रहे होंगे। फरमाइश की जनाब आपने आतिफ असलम के ट्रैक ही, तो होपफुली हमारे पास प्लेलिस्ट में आतिफ असलम का कोई ट्रैक होगा आज, ना भी हुआ तो खैर है जी कोई बात नहीं। लेकिन इसी के साथ बढ़ेंगे तो नेक्स्ट ट्रैक की जान लौट कर आएंगे तो करेंगे आपके मैसेजेस को शामिल, देखते हैं कौन कौन होगा मजीद हमारे साथ। सो कीप लिसनिंग दोस्ती एफएम 98। मुश्किल हो गया जीना, अब तो जहर पड़ा है पीना, अब तो चुपों में अब जान पड़ी है, आफत कैसी आन पड़ी है, दूर भगाए पास है आता, सिंगल का ये डबल हो जाता, कैसी रात चला दिया है, हम हस्तों को रुला दिया है, मुश्किल हो गया जीना, अब तो जहर पड़ा है पीना, अब तो चौकों में अब जान पड़ी है, आफत कैसी आन पड़ी है, दूर भगाए पास है आता, सिंगल का ये डबल हो जाता, कैसी रात चला दिया है, हम हस्तों को रुला दिया है, आ गया हम पे टाइम ये कैसा, पैसा 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 पै
पैसा 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 पीछे बढ़ गया पैसा 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 पैसे की ख्वाहिश में इंसान हो गया दीवाना पास ये जिसके आ जाए वो बन जाए बेगाना पैसे की ख्वाहिश में इंसान हो गया दीवाना पास ये जिसके आ जाए वो बन जाए बेगाना जैसे को है मिल गया तैसा पैसा 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 पीछे बढ़ गया पैसा 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 करते यार हम सब पैसा होए पैसे ने है नींद उड़ाई सुख की नींद न सोए हाय पैसा पैसा करते यार हम सब पैसा होए पैसे ने है नींद उड़ाई सुख की नींद ना सोए हाल हमारा हो गया कैसा पैसा 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 पीछे पड़ गया पैसा 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 मुश्किल हो गया जीना अब तो जहर पड़ा है पीना अब तो चौकों में अब जान पड़ी है आफत कैसी आन पड़ी है दूर भगाए पास है आता सिंगल का ये डबल हो जाता कैसी रात चला दिया है हम हस्तों को रुला दिया है आ गया हम पे टाइम ये कैसा पैसा 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 जान छोड़ दे पैसा ये कैसा पैसा है पैसा पैसा पीछे पड़ गया पैसा 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 हाय पैसा वेलकम बैक जनाब आप सुन रहे हैं दोस्ती फिल्म 98 एक बार फिर से कहेंगे आपको प्रोग्राम में खुशामदीद मकसूद करमानी हमारे साथ शामिल हो जनाब लाहौर से आपका ताल्लुक है और बड़ी शेर व शायरी भी की है आपने बहुत शुक्रिया इसी के साथ साथ हमारे साथ इमरान शामिल हुए हैं मियांवाली से और आप कह रहे हैं कि क्या हाल है जी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल शुक्र है और आई होप कि आपकी तरफ ही सब ठीक ठाक होगा एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस 9:28 हो रहे हैं जनाब मेरा और आपका साथ रहेगा 10 बजे तक और आप मेरा साथ दे सकते हैं 4471 पर मैसेज करने का तरीका बहुत सिंपल है बहुत आसान है आपने 90 टाइप करना है स्पेस देकर अपना और अपने शहर का नाम लिखना है और अपना पैगाम लिखकर भेजना है 4471 पर जैसा कि मैंने आपसे ऑलरेडी शेयर किया कि रमजान के साथ साथ हमारे स्केड्यूल्स में भी तब्दीली आएगी तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते से आपसे मुलाकात हुआ करेगी हर बुध की सुपहर 4 से 5 इसी तरह सब लोगों के स्केड्यूल्स में कुछ कुछ तब्दीलियां हैं जो आपको साथ साथ पता चलती रहेंगी और बिल्कुल जनाब फेसबुक पर जो है वो टैग्स भी आ रहे होते हैं प्रोग्राम्स के तो आपको पता चलता रहेगा कि नया स्केड्यूल जो है उसमें आपका फेवरेट टैग है कौन से टाइम पे आ रहा है कब आ रहा है कुछ लोगों के प्रोग्राम सेम टाइम पे भी आएंगे लेकिन कुछ तब्दीलियां भी होंगी
रमजान की तैयारियां जोरों शोर से चल रही हैं जनाब, हर घर में ऑलमोस्ट जो है वो डिफरेंट किस्म के पकवान बनाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं ऑलरेडी। कुछ जो अम्मियां हैं खास करके वो अपने अपने कामों पर लगी हुई हैं कि जी हमने चने उबाल कर फ्रीज करने हैं और थिंग्स लाइक दैट, और बहुत सारी एक्स्ट्रा ग्रोसरीज की जा रही हैं। पाकिस्तान में जरा खाने पीने की तरफ ज्यादा फोकस किया जाता है रमजान में, इसलिए ईद के कपड़ों के अंदर मोस्टली जो है वो काफी मसाइल नजर आ रहे होते हैं, बिकॉज आप काफी वेट जो है वो गेन कर चुके होते हैं। वैसे एक उम्मीद थी कि जनाब रोजे रख के जो है वो आपका वजन कम हो जाता है और रमजान आपके लिए डाइटिंग का बेहतरीन मौका होता है, लेकिन आई गेस एंड आई बिलीव कि मेरे लिए तो ऐसा बिल्कुल साबित नहीं हुआ कभी भी, और मेरे साथ तो ऑपोजिट होता है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट ट्रैक, तब तक आप भी हमसे शेयर कर सकते हैं अपने रमजान के व्यूज, आपके साथ क्या होता है क्या नहीं होता, क्या तैयारियां चल रही हैं आपके घर में और अभी तक क्या कुछ जो है वो आपने भी अपने फ्रीजर में जमा कर लिया है। कुड़ी कहंदी बेबी पहला जे गुआ ले लो, फिर जिन्ना मर्जी पिया ले लो, पिया ले लो। ए दिवाली में शकीन एक बेगी एक जीन, सूट पटियाला शाही जा ले लो। कुड़ी कहंदी बेबी पहला जे गुआ ले लो, फिर जिन्ना मर्जी पिया ले लो, पिया ले लो। सोनी मॉडल लगती मॉडल जैम च रेंदी, वो छोटे मोटे लोकां ना मिले नाले छोटी मोटी गड्डी च नी बैंदी, नाले नजर नी आंदी उनू मेरी होर कोई कामयाबी, दसो कित्थों लैके आवां मैं जैगुआर दी चाबी, बिना एलईडी हेडलाइट्स ते तेनू प्यार मेरा दिसे ना जरा भी। हुण मित्रो दिल मेरा तोड़ के कहंदी शहर घुमा मैनू सनरूफ खोल के, मेरा थुरू छुपा के उदा दिल पर लहू में डोल के, सोड़िए बे सानू की लगे जैगवार तो वे जट्टा दा दिल बड़ा हुंदा किसी भी कार तो, पर छड़ मेरे दिल दी दिल मेरी सौ तेरू शिकवाणी होना मेरे प्यार तो। कहंदी सोनिया जट्टा दा दिल बड़ा हुंदा ए, मैं लगदा ए जट्ट अग लागे तुरी गई, इस गल दी सी देर सारी बेचती जमीन, जट जट्टा ने मुंडे दा ओ जगा के तुरी गई। लेती जगवार ना लाऊंगा वे यार वेरे किसी नू ना कहू जगवार ले लो, कुड़ी कहंदी बेबी पहला जगवार ले लो, फिर जिन्ना मर्जी पिया ले लो, कुड़ी कहंदी बेबी पहला जगवार ले लो, फिर जिन्ना मर्जी पिया ले लो। वेलकम बैक जनाब, एक बार फिर से कहेंगे आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद, आप सुन रहे हैं और सुनो दोस्ती एफएम 98 की नशर, और जनाब इस वक्त आप दुनिया के किसी कोने में सात समंदर पार भी हमारी नशरियात जो है उससे इंटरटेन हो सकते हैं, सुन सकते हैं। तो कैसे सुनेंगे आप? सुनेंगे आप लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए www.dusreradio.com, और इसी के साथ जनाब अपने व्यूज शेयर कर सकते हैं आप हमसे एफएम 98 दोस्त चैनल के पेज पर जो कि मौजूद है फेसबुक पर, पेज पर मौजूद प्रोग्राम के स्टेटस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपना कमेंट करके साफ दिलाइए कि यही तो है सच्ची दोस्ती। ट्रैक सुन रहे थे जनाब आप बोहेमिया का, और इसी के साथ साथ आप हमें मैसेज कर रहे हैं 4471 पर, एफएम 98 लिखकर आपने स्पेस देनी है, अपना और अपने शहर का नाम लिखना है और अपना मैसेज लिखकर भेजना है 4471 पर। और इस वक्त हमारे साथ बहुत सारे साथी मौजूद हैं, लेकिन आप लोग इतने लंबे लंबे मैसेजेस करते हैं समटाइम्स कि वो जो पढ़ना है ना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
خاص طور پہ کچھ اس طرح کے میسیجز جو آ رہے ہیں جناب, ان کے لیے حکومت کے احساس پروگرام سے رابطہ کیجیے آپ. میرا خیال ہے کہ ٹریکس میں یہ کچھ نمبرز میں شاید جو ہے وہ پرابلم آ رہی ہے آپ کے ساتھ. آلموسٹ ہر ٹی وی چینل پر جو ہے وہ موجود ہے یہ کیا طریقہ کار ہے, کس طرح سے میسیجز کرنے ہیں, کون سے نمبرز ہیں جن سے آپ رجسٹر ہو سکتے ہیں امدادی پروگرامز میں, تو کائنڈلی آپ ان سے رابطہ کیجیے. سہیل عنایت ہمیں سن رہے ہیں جناب, رانگلا سے آپ کا تعلق ہے اور رانگلا آزاد کشمیر. بہت شکریہ جناب, امید کرتے ہیں کہ آپ کو پروگرام پسند آ رہا ہوگا. اسی کے ساتھ ساتھ راجہ وکاس ہمارے سے شامل ہوئے, آزاد کشمیر مظفر آباد سے آپ کا تعلق ہے. ریکویسٹ تو آپ کی ہم نے سن لی راجہ وکاس صاحب, لیکن یہ بتائیے کہ آپ اس وقت اسلام آباد میں ہی موجود ہیں یا واپس لوٹ چکے ہیں, کیونکہ میں نے سنا تھا کہ جب سے لاک ڈاؤن ہوا ہے تب سے کشمیر سے جو پاکستان کا زمینی راستہ ہے اسے بند کیا گیا تھا تاکہ لوگ یہاں سے وہاں ٹریول نہ کر سکیں, بیکاز اس طرح سے جو ہے وہ بیماری پھیلنے کا خطرہ زیادہ تھا. اسی کے ساتھ جناب بڑھیں گے نیکسٹ ٹریک کی جانب, جو کہ ہے مووی سے اور مووی ہے ہیر مانجا. کچھ تو ہوا ہے کس کی دعا ہے جو میرا دل گنگنا
तेरी कसम है जो मेरा मन है सब छोड़ कर तुम पे आ रहा है कुछ तो हुआ है किसकी दुआ है जो मेरा दिल गुनगुना रहा है तेरी कसम है जो मेरा मन है सब छोड़ कर तुम पे आ रहा है वेलकम 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 बैक जनाब आप सुने दोस्ती फिल्म 98 9:40 मिनट हो रहे हैं और मेरा आपका साथ रहेगा ठीक 10 बजे तक साथ दे रहे हैं आप मेरा 4471 पर और जनाब फैसल भट्टी इस वक्त हमारे साथ शामिल हुए रावलपिंडी से जनाब फरमाइश किया आपने ट्रैक प्ले कर दें भरोसा प्यार तेरा वैसे मैंने सुना था एक जमाने में कि मर्द हजरात जो है वो ड्रामास नहीं देखते लेकिन मैंने फील किया है कि जितनी भी ओएसटीज की रिक्वेस्ट होती हैं वो मोस्टली मर्दों की तरफ से होती हैं ये क्या कहानी है ये क्या साइंस है मैं जानना चाहती हूँ अस्सलाम वालेकुम आई एम अवेस फ्रॉम चकवाल बहुत शुक्रिया अवेस प्रोग्राम में शामिल होने का उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी उम्मीद है जनाब हम बिल्कुल अच्छे हैं आपका चैनल बहुत अच्छा है बिल्कुल सही बात की आपने बहुत सही फरमाया बोहेमिया का सॉन्ग सुना दें लें जी आपकी फरमाइश हम ऑलरेडी पूरी कर चुके हैं बोहेमिया को हम ऑलरेडी जहमत दे चुके हैं उनको तकलीफ दे चुके हैं उनका गाना आप तक पहुंचा चुके हैं आपको सुना चुके हैं सलाम बढ़ेंगे नेक्स्ट ट्रैक की जाने और आवाज शामिल करेंगे राहत अली खान की खोल के बावां दे मज़े लिए हवावां दे बुए खोल के बावां दे मज़े लिए हवावां दे
नजर भी उपनेगी हो गई है, इनु की खुशबू हो गई है तेरे बल दे आंच। प्रोग्राम आपके लिए पेश कर रहे हैं और सुनो 9:47 हो रहे हैं, मेरा और आपका साथ रहेगा 10 बजे तक। ट्रैक सुन रहे थे जनाब आप शाजिया मंजूर और राहत फतेह अली खान की आवाज में। और जनाब इस वक्त हमारे साथ राना महमूद शामिल हुए हैं, मलीर साहब का ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आपने लिखा है अपना नाम तो बताता, ये क्या है? अच्छा 2 बजे किसका प्रोग्राम है? वाह, ये सारे लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस हैं जो आपने मुझे भेजे हैं। बिल्कुल ठीक हो गया जनाब, आपके इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको देंगे। और आपने पूछा है कि सादिया को सिफारिश कर दें कल के लिए। भाई सॉरी, सादिया को मैं सिफारिश नहीं कर सकती। 10 बजे जनाब प्रोग्राम है राज रॉकेट का। मुझे कहते हैं फातिमा, ऑफिशियली भी यही कहते हैं, प्यार से भी यही कहते हैं। और जनाब बख्त अली बलोच हमारे साथ शामिल हुए हैं, कराची से आपका ताल्लुक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, बहुत बहुत शुक्रिया। शामिल करेंगे प्रोग्राम में एक और ट्रैक, की प्लिसनिंग दोस्ती एफएम 98। कितने चलिए मूड बना के, कितने चलिए तू, कितने चलिए नींद उड़ा के, बेबी तू मम्मा लगती फोर से आके, मम्मा लगती तू तुम अपना कर छुपा के, अभी ना जावे तू मुझे रूम से जरे पर इस दिल को न दगा दे, मेरा दिल नहीं जो तेरे पास बेबी तू, ओ बेबी तेरे सुरमा तेरे चमका तेरे जुम्मा तेरे नखरा केंद्र
ट्रैक जनाब कहेंगे एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद और उम्मीद करते हैं कि ट्रैक आपको पसंद आया होगा। और जनाब इस वक्त जो मैसेजेस हमारे पास मौजूद हैं उनको प्रोग्राम में शामिल करेंगे, लेकिन इतने लंबे लंबे मैसेजेस हैं कि जरा देर लग रही है पढ़ने में। आपने इतने सारे लोगों का नाम एक साथ एक ही मैसेज में लिख दिया है, ये बताइए कि इन सबको अगर डायरेक्टली सलाम देते आप तो कोई मसला होता है या वो आपका सलाम एक्सेप्ट ना करते? क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है आप लोगों के बीच में? एनीवेज जनाब हमारे साथ शामिल हुए हैं मीरपुर भटरों से, और जनाब आपके विलेज का नाम पता नहीं क्या है, मीरपुर भटरो ये ओके। मीर आलम खान लाशारी ओके जनाब ठीक हो गया, लेकिन इसके साथ साथ आपने जो पूरी टीम के नाम लिखे हैं यानी कि आपने कभी भी अपनी चॉपस्टिक्स जो है ना वो सेंटर ऑफ द बोल नहीं रखनी। वैसे भी आप उनको सेंटर ऑफ द बोल खड़ा तो कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी जब आप उनसे खाना खा रहे हो तब भी आप अवॉइड कीजिए कि आप उनको किसी की तरफ पॉइंट ना करें, और स्पेशली वेन यू आर डन तो आपने जो है वो अपनी चॉपस्टिक्स को अपने बोल के ऊपर जो है वो सेट करना है, रादर देन कि आप उसे कहीं प्लेट में एडजस्ट करने की कोशिश करें या कुछ और। तो कुछ जो चीजें हैं वो मेरा ख्याल है जिंदगी में अगर सीखने का मौका मिल रहा हो तो जरूर सीखनी चाहिए। वन थिंग आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड टू यू कि अगर आपका चीन जाना हुआ है और आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो एक चीज जो आपने अपने साथ जरूर लेके जानी है, भला वो क्या हो सकती है, गेस कीजिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एग्जैक्टली जनाब आप सही समझे, आपने अपने साथ लेकर जाने हैं टॉयलेट पेपर्स। टॉयलेट पेपर्स जो है ना वो अपने साथ लेकर जाना बड़ा जरूरी होता है व्हेन एवर यू आर गोइंग आउट फॉर सम पिकनिक और फॉर सम शॉपिंग। तो अगर कभी भी आपका कहीं भी जो है वो पब्लिक रेस्ट रूम्स में जाना हो तो वहां पे बड़ा जरूरी है कि आप अपने साथ जो है वो अपने टॉयलेट पेपर्स खरीद के लेके जाएं या घर से साथ लेके जाएं, बिकॉज इट्स वेरी नेसेसरी टू मेंटेन देम, और उनको फिर प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ करना भी बहुत जरूरी होता है। और जनाब इसी के साथ साथ हम आपको बताते चलेंगे अगर आपने कहीं ट्रेवल करना है और एक जगह से दूसरी जगह आप घूमने जाने का इरादा रखते हैं, शहर में बहुत सारी डेस्टिनेशंस देखना चाहते हैं, तो आपने जो है वो हमेशा कोशिश करनी है कि जो लाइसेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन है आप वही बस सर्विसेज वही पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेल करें रादर देन टू अवेल एनीथिंग एल्स। लाइक अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेल करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा टैक्सी या कोई ऐसी बस सर्विस जो प्रॉपरली ऑथराइज सर्विस है, तो आप जो है वो स्टॉप टू स्टॉप ट्रेवल करेंगे, आपको वेट करना पड़ेगा, लेकिन वो आपके ये भी अच्छा होगा और उससे जो है वो डेफिनेटली बजट ट्रेवलिंग के लिए भी वो हेल्पफुल होगा। तो जनाब उम्मीद करते हैं कि आज की रिकमेंडेशन जो है वो आपके लिए जिंदगी में कहीं ना कहीं हेल्पफुल जरूर होंगी। इसी के साथ वक्त हो जाता है आपसे इजाजत लेने का, छोड़ जाएंगे आपको एक चीनी जबान के नगमे के साथ। जिंदगी रही तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे अगले हफ्ते में बुध के दिन 4 बजे। और जनाब हमारी जानिब से आपको रमजान एडवांस में बहुत बहुत मुबारक हो, जहां रहे खुश रहे, हंसते मुस्कुराते रहे, दूसरों के लिए खुशियां बांटने का सबब बने, और कोरोना वायरस से एहतियात जारी रखिए, लॉकडाउन का एहतराम कीजिए जनाब, ये आपकी सेहत के लिए जरूरी है। टेक केयर, बाय बाय, कीप लिसनिंग दोस्ती FM 98। That you settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave a thing I didn't give to you.